अच्छा क्या करोगे इसका, ये देखें तो कितने हैं, काउंटिंग किया आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, काउंटिंग कर लो, सारा काउंटिंग अच्छे से कर लो। 10, 11, 12, 13। हेलो मेरे बाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सचिव थेपी में। तो उधर पहले वीडियो में जो मैंने दिखाया ना, उधर आरू थोड़ा सा कुछ आप जो है पैसों के साथ खेल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वही रिकॉर्ड कर लिया था। और ये मॉर्निंग का ही टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही हूँ, तो क्लीनिंग का काम वगैरह सब मतलब मेरा हो गया था। और सब लोगों ने नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ कर लिया है, बस मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ पोहा, और उसके लिए मैंने मिर्च और करी पत्ता और छोटे बारीक प्याज का तड़का लगाया है। ये देखिए, थोड़ा सा मस्टर्ड डाल के और इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा मटर भी ऐड कर दिया है, और पीनट नहीं मिला ना तो फिर मटर था, मैंने मटर ही ऐड कर दिया। तो हम बस हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट बनाना है, क्योंकि आज लंच वगैरह मतलब नहीं बनाना है, क्योंकि आज नवमी का दिन था। उस दिन जब मैंने वीडियो शूट किया था तो उस दिन नवमी का दिन था, और मंदिर में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा सा अखंड रामायण वगैरह बैठा था, तो ही भंडारा है, तो सभी लोगों को वहीं जाना है। तो इसलिए मैं बस हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर का लंच मंदिर में ही होगा सबका। तो बस मैंने थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दिया था, थोड़ा सा चीनी मैंने डाल दिया था, और ये मैंने पोहा जो है धुल के थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है, पोहा वगैरह सब कुछ अच्छे से ऐड कर दिया है। तो और इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा, थोड़ा सा नींबू का जूस, तो सब अच्छे से मिक्स करके मैं इसको बना रही हूँ। तो पोहा सभी मेरे घर में पसंद करते हैं, बट आरू नहीं खाता है, तो आरू के लिए कुछ दलिया वगैरह बना दूँगी, वो खा लेगा, आरू नहीं खाता। आरू को पोहा पसंद नहीं है, लेकिन बड़े वाले बेटे को मेरे बहुत पसंद है पोहा। तो बस मैं फटाफट से ही बना रही हूँ, और उसके बाद सारा काम वगैरह तो ख़त्म ही हो गया था। तो ये देखिए, अच्छे से इसको सारा मिक्स करना है, और ताकि अच्छे से इसका कलर वगैरह आ जाए। और ये पोहा ना हेल्दी और टेस्टी होता है, ब्रेकफास्ट के लिए अच्छा होता है। इधर बस पोहा बन के रेडी हो गया है, और ये देखिए कितने अच्छे से खिले खिले हुए पोहे बने हैं, और खाने में भी बहुत ही मतलब टेस्टी बना था सब कुछ, नमक और सब कुछ अच्छे से मतलब हो गया था। तो बस मैं सबके लिए प्लेटिंग कर देती हूँ। हेलो मेरे बेटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर सचिव थेपी में। तो ये करीब 11 बजे का टाइम है, मेरा सारा काम वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया है, और मतलब सारा काम ख़त्म हो गया, थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो फ्री होने के बाद सोचा कि थोड़ा सा अपने फेस पे जा रही हूँ मैं फेस मास्क लगाने। ये देखिए, ये देखिए आरू कैसे वहाँ दरवाजे के पास खड़ा है, क्या आरू? तो ये देखिए, मैं एवरेस्ट का फेस मास्क लगाने जा रही हूँ। इसको मैंने कई बार यूज किया है, और मतलब ज़्यादा नहीं है, इसमें 2-3 बार और यूज करने भर का है, उसके बाद ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं कभी कभी यूज करती हूँ, और आज शाम को मुझे ना पार्टी में जाना है, तो इसलिए थोड़ा सोचा कि अपने स्किन का केयर कर लेती हूँ। इस समय बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा हो गया है, तो बस मैं वही जा रही हूँ फेस मास्क लगाने ये वाला। और सारा काम वगैरह सब खत्म हो गया, थोड़ा फ्री हो गई हूँ। दोपहर का लंच भी नहीं बनाना है, और क्योंकि आज नवरात्रि वगैरह, नवरात्रि का मतलब आज नवमी है, नवमी के दिन का है ये वीडियो। और आज मंदिर वगैरह में भंडारा भी है,
और शाम को मतलब हम लोग की पार्टी भी है, बर्थडे पार्टी भी है। तो मतलब आज का दिन तो पूरा बिजी ही है हम लोगों का। तो बस मैं खाना वगैरह नहीं बना रही हूँ आज, और बस थोड़ा सा मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है, और बस चल रही हूँ मैं अपना ये फेस मास्क लगाने। और आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो इधर मैं वही एवेरियुथ का फेस मास्क लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है और शाम को पार्टी भी है, और मेरा स्किन ना इस समय थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह यूज किया ना, इसी वजह से मेरा स्किन थोड़ा डल हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा चलो उसको थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो ये मैंने फेस मास्क लगा लिया, ये देखिए, और जब ये सूख जाएगा तो इसको निकाल लूँगी। तो चलिए इसको सूखने का वेट करते हैं। तो उसके बाद फिर ये शाम का टाइम हो चुका था, और फेस मास्क लगाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, एक्चुअली मैं भूल गई और दोपहर में मुझे आ गई नींद, तो मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो मुझे जाना है पार्टी में, बर्थडे पार्टी है बच्चे का, तो उसी में जा रही हूँ। तो मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं सिंपल सा ही सूट डाल रही हूँ। साड़ी का मन था पहनने का, लेकिन नहीं पहनूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं, और हस्बैंड ये जो गाड़ी निकाल रहे हैं ना, वो आज हम लोग फर्स्ट टाइम मतलब बैठ के गाड़ी में जा रहे हैं पार्टी में, क्योंकि अभी हस्बैंड ने मतलब चलाना सीखा है, तो इसलिए हम लोग सोचे चलो आज गाड़ी में ही चलते हैं पार्टी में। और ये देखिए आरू अमृत भी रेडी हो गए हैं और निकाल रहे हैं, और इधर हम लोग पार्टी में। बस इधर केक वगैरह कट गया था और सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि नाश्ते में पीनट वो था भुना मतलब बॉयल किया हुआ पीनट था, और पालक पकौड़े थे, केक वगैरह था, कोल्ड ड्रिंक था, तो नाश्ता सब लोगों ने कर लिया है। और डिनर अभी कोई नहीं किया है, डिनर मतलब तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा धमाल, डांस वगैरह हो रहा था लेडीजों में, और मतलब सब ने खूब इंजॉय किया, सच में बहुत मतलब अच्छा लगा। और करीब रात के 12-1 बज गए थे पार्टी ख़त्म होते होते, और सब लोगों ने खूब इंजॉय किया था। तो मैंने यहाँ पे जो है म्यूजिक बज रहा था ना, तो मैंने म्यूट कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। और थोड़ा सा वीडियो का भी स्पीड मोड दे दिया है ना, इसलिए डांस समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा स्पीड चल रहा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा था, सब ने खूब इंजॉय किया, और हम लोग करीब 1 बजे डिनर वगैरह करके फिर वापस घर आ गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।